अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं डच ट्रफल केक, जिसके लिए हमने यहाँ लिए है 100 ग्राम कैस्टर शुगर। आप चाहे तो पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 60 ग्राम मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून सॉल्ट, 15 ग्राम्स कोको पाउडर। और अब हम इन सबको अच्छे से छान लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी है। वेट मिक्सचर बनाने के लिए हमने यहाँ लिए है 50 ml हॉट वाटर। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कॉफ़ी। इसमें हम डालेंगे 56 ml मिल्क, 30 ml ऑयल, 1/4 टीस्पून चॉकलेट एसेंस और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, ये दोनों डालना है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप हाफ टी स्पून वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। 1 एग, और इसे हम अच्छे से फोक की मदद से बीट कर लेंगे। वेट मिक्सचर अब रेडी है। इसे हम ड्राई मिक्सचर में ऐड करेंगे और एक विस्क की मदद से हम इसे अच्छे से क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। बैटर को टिन में पोर करने के पहले हम एक स्पैचुला की मदद से इसे 2 से 3 बार कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे एंड देन हम इसे टिन में पोर करेंगे। हमारी क्वांटिटी 1/2 kg स्पंज की है, तो हमने यहाँ 6 इंच बेकिंग टिन लिया है और इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस टिन में मैदा डस्ट करेंगे। हम सारा बैटर टिन में पोर करेंगे और टिन को 3 बार टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स फॉर्म हुए हैं वो ब्रेक हो जाए। इसे हम अब प्रीहीटेड ओवन में बेक करने रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। हमें इसे चेक करते रहना है। देखिए स्पंज हमारा रेडी है। हम यहाँ एक टूथपिक इसमें इंसर्ट कर रहे हैं और देखिए टूथपिक क्लीन आई, दैट मीन्स हमारा स्पंज कम्प्लीटली बेक हो गया है। स्पंज को अब हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अब तक हम गनाश की प्रेपरेशन कर लेंगे। गनाश के लिए हमने यहाँ लिए है 250 ml फ्रेश क्रीम, 500 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसे हमें अच्छे से कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है जब तक चॉकलेट कंप्लीटली मेल्ट हो जाए। देखिए चॉकलेट कंप्लीटली मेल्ट हो गई है, यानी अब गनाश रेडी हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अगर आपको इसे जल्दी यूज़ करना है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 45 मिनट्स के लिए, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो हर 10-15 मिनट से आपको जाके इसे 1 से 2 बार मिक्स करना पड़ेगा। अभी हम चॉकलेट सिरप रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ लिए है 50 ml मिल्क। इसमें हम डालेंगे 1 teaspoon कैस्टर शुगर, 1 tablespoon कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 teaspoon गनाश और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब चॉकलेट सिरप रेडी है। इसे हम लेयरिंग के टाइम पे यूज करेंगे। चॉकलेट स्पंज अब रूम टेम्परेचर पे आ गया है। इसे हम नाइफ की मदद से डीमोल्ड कर लेंगे। अब नाइफ की मदद से हम केक को 3 लेयर्स में कट कर लेंगे।
देखिए गनाश रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से थोड़ा पोर्शन हम गनाश का निकाल के उसे फ्रिज में रखेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर वो रेफ्रिजरेटेड गनाश को हम केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ एक पाइपिंग बैग लिए है, इसमें हम गनाश को ट्रांसफ़र करेंगे। पाइपिंग बैग में कोई भी तरीके का नोज़ल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गनाश हम केक के लेयर्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। स्टार्ट करने के पहले हम केक बोर्ड पे थोड़ा सा गनाश लगाएंगे। देखिए पैलेट नाइफ को आपको हॉट वाटर में डिप करके यूज़ करना है ताकि जो गनाश है वो अच्छे से स्प्रेड हो और अच्छी फिनिशिंग दे केक को। हर यूज़ के बाद आपको पैलेट नाइफ को हॉट वाटर में डिप करना है। स्पंज पे सबसे पहले हम चॉकलेट सिरप डालेंगे। फिर हम इस पे चॉकलेट गनाश डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। याद रखें कि आपको पैलेट नाइफ को हर यूज़ के बाद हॉट वाटर में डिप करना है। अब हम यहाँ चोको चिप्स स्प्रिंकल कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए, इससे केक का टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसी तरीके से हम बाकी सारे लेयर्स में भी करेंगे। अभी हम केक की साइड में भी गनाश लगाएंगे और उसे अच्छे से कोट कर लेंगे। केक को अब हम फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए 15 मिनट्स हो गई है, हम इस तरीके से फिंगर टच करके चेक करेंगे। अगर फिंगर क्लीन है दैट मीन्स केक प्रॉपरली सेट हो गया। अब हम पूरे केक को गनाश से कोट कर लेंगे। केक को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पे स्टील की स्केल यूज़ कर रहे हैं। ये स्केल हम सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप भी स्टील की स्केल यूज़ करना चाहते हैं ताकि आपके केक को अच्छी फिनिशिंग आए, तो प्लीज़ वो स्केल को सिर्फ और सिर्फ बेकिंग यूज़ के लिए ही रखिए। स्केल को हर यूज़ के बाद हॉट वाटर में डिप करना है, इससे केक को बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। टिश्यू को हम वेट करके बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। जो गनाश हमने रेफ्रिजरेटर में सेट होने रखे थे अब उसको हम पाइपिंग बैग में ट्रांसफर करेंगे केक के डेकोरेशन के लिए। आपको जो नोजल पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। देखिए गनाश अच्छे से सेट हो गई है। हम एक बार बोल को अपसाइड डाउन करके भी देख लेंगे। गनाश बोल से गिरना नहीं चाहिए, अगर वो बोल से गिरती है दैट मीन्स वो प्रॉपरली सेट नहीं हुई है।
अब हम गनाश से केक को डेकोरेट करेंगे। आपको जैसा डेकोरेशन पसंद है आप वो कर सकते हैं। केक को अच्छा लुक देने के लिए हमने यहाँ पे स्प्रिंकल्स और चोको चिप्स भी ऐड किए हैं। केक को अब हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे, फिर ये सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने मिले।